से झांसी में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी है और पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा रक्सा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास में हुआ है। रक्सा टोल प्लाजा से निकल रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सिपाही को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस की गाड़ी में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और साथ ही जो पुलिस की गाड़ी चला रहा था ड्राइवर उसे काफ़ी चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही ये तस्वीरें भी आप देखिए कि जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ये जो पूरा घटनाक्रम था पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी रफ्तार से ट्रक आता है और पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है जिसमें ड्राइवर घायल हो गया है। और साथ ही ये जो तस्वीरें हैं ये आप सीसीटीवी की देख रहे हैं, देखिए किस तरह से तेज़ रफ्तार में ट्रक आता है और पीछे से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। बदायूं में पुलिस वालों से मारपीट का मामला सामने आया। 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरक्षण विरोधी रैली में मारपीट हुई थी और मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ भी की गई थी। मारपीट और साथ ही दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो और साथ ही सीसीटीवी भी सामने आया। रैली में दो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से मारपीट के बाद फिर सिपाही आरिफ पर हमला हुआ था। बिना वर्दी के पुलिस कर्मी को पीटा गया। हमले से बचने के लिए सिपाही ने दुकान में शरण ली थी और बचाव में दुकानदार और साथ ही दुकान के कर्मचारी आ गए और उन्हें भी चोटें आई हैं। जान बचाकर पुलिस का सिपाही मौके से फरार हो गया। आधे घंटे तक कार्यकर्ताओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ले में कल 2 बजे ये बवाल हुआ था और ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और साथ ही मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। सहारनपुर में सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे और सहारनपुर के बाद में सीएम योगी मुजफ्फरनगर जाएंगे और मीरापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां पर सीएम योगी मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और रोजगार मेले में 50 से ज्यादा निजी कंपनियां भी शामिल होंगी और 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो तस्वीरें कुछ ही देर में आप वो देखेंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे और आज भी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। साथ ही उपचुनाव होना है जिसको लेकर मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में दिनेश पवार। दिनेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो महत्वपूर्ण दौरों पर रहने वाले हैं। विनेश पवार हमारे साथ में जुड़ गए हैं संवाददाता। क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ आज उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देखते हैं और जहां जहां पर भी वो दौरा करते हैं वहां पर बीजेपी को काफी बड़ी मात्रा में जीत भी मिलती है, तो ऐसे में क्या तैयारी कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले से मुकम्मल तैयारियां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कर ली गई थी और आज सीएम योगी सबसे पहले सहारनपुर पहुंचेंगे और सहारनपुर पहुंचने के बाद अपना वहां से कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां पर बीआईटी कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ रोजगार मेले का भी की शुरुआत भी होगी जहां पर योगी आदित्यनाथ जी वहां शामिल रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर मीरापुर विधानसभा सीट है जो जिस पर उपचुनाव होना है और माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आज आगाज करने जा रहे हैं उपचुनाव का और निश्चित तौर पर वहां के वोटरों को भी साधने का प्रयास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। जी, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विनेश। और उपचुनाव को लेकर एसपी की बैठक, औरैया जिले की समीक्षा करेगी एसपी समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी को बैठक में बुलाया गया है। संगठन की तैयारी को लेकर भी बैठक की जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है और औरैया जिले की समीक्षा करेगी सपा
और इस बैठक में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। यूपी में बीजेपी संगठन के पुनर्गठन की तैयारी चल रही है और बीजेपी संगठन में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। बीजेपी के दो कार्यकाल वाले जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे। बीजेपी जिलाध्यक्षों को तीसरा मौका नहीं देगी और कई जिलों में खराब प्रदर्शन वाले बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। बीजेपी ने कई जिलों के जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका दिया था। सदस्यता अभियान के बाद में जिलाध्यक्षों को हटाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी और साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव करने की तैयारी कर रही है और खराब प्रदर्शन जिनका रहा है उन जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा और सदस्यता अभियान के बाद में बीजेपी ये बड़ा एक्शन ले सकती है। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उन सभी जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा।